रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत यह बच्चों को शब्द दिए गए हैं और इससे इनको कुछ भी वाक्यांश, कहानी या कविता बनाना था। तो चांदनी कक्षा 8वीं में पढ़ती है या एक कविता बनाई है, आइए सुनते हैं। गांव शहर सड़क में हम घूमेंगे, हम घूमेंगे, 15 रास्ते हैं, इधर जाए कहाँ, हम जाए कहाँ। जिला का नाम हमारा बिलासपुर है, जिला का नाम हमारा बिलासपुर है। एक रास्ता जाएगा, जाएगा बिलासपुर, जाएगा बिलासपुर है, 2 किमी, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक रास्ता स्कूल का है, जाए पढ़ने, जाए पढ़ने, आज तो छुट्टी है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम अपना गांव जांजी और अपना राज्य छत्तीसगढ़ घूमेंगे। गुड, बहुत सुंदर। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको लेकर बच्चों को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो युवराज ने एक सेंटेंस बनाया है, जल्दी बताओ युवराज क्या बनाया है। मेरा नाम जांजी है, जिला बिलासपुर शहर है। जांजी से बिलासपुर 15 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है, हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमारे गांव में सड़क है। गुड। आज दिए गए शब्दों में से साहिल ने एक वाक्य बनाया है, वाक्यांश बनाया है, वो बता रहा है, जल्दी बताओ। मेरा नाम साहिल डोंगरे है, मैं एक जांजी नामक गांव में रहता हूं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला में है, जो 15 किलोमीटर के सड़क रास्ते में पड़ता है। मैं जांजी के स्कूल में पढ़ता हूं, पढ़ने जाता हूं, मैं किसी दिन शहर जाऊंगा। गुड, बहुत अच्छा बोला इसने। कैंपेन के अंतर्गत कुसुम ने आज यह वाक्य बनाकर सुनाया। मेरा नाम कुसुम सार है, हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जांजी है, हमारे गांव का नाम जांजी है, हमारा जिला बिलासपुर है और बिलासपुर एक शहर है, हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है, मैं स्कूल पढ़ने जाती हूं, मेरा घर सड़क के पास है, हमारे गांव से बिलासपुर 15 किलोमीटर दूर है, मैं स्कूल रास्ते से जाती हूँ। गुड, अच्छा बड़ी ना। कक्षा 7वीं का अमन वाक्य बनाया है, वो पढ़ के सुना रहा है। एक बच्चा गांव से शहर सड़क के रास्ते स्कूल पढ़ने जाता था। उस बच्चे की आयु 15 वर्ष की थी। उस बच्चे का नाम अमन था। वह बच्चा जांजी में रहता था, बिलासपुर जिले में उसके दादा दादी रहते थे। उस बच्चे का शौक छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर जाने का था। वह बच्चा रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाता था। गुड, वेरी नाइस, एकदम नई कहानी है ना।